हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज लेकर के आए हैं इनक्रेडिबल फैक्ट्स का एक नया क्लास, और आज का हमारा टॉपिक है एक मैथमेटिकल्स टॉपिक, व्हाट इज पाई, पाई क्या होता है। तो पाई के बारे में डिस्कस करेंगे। पाई के बारे में जानने के लिए स्टूडेंट जो है वह बहुत समय से वेट करते हैं अपने लाइफ में, उसके बाद उनको जाकर के पाई के बारे में जानकारी मिलता है। तो वही पाई के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको स्कूल में जो है वह डायरेक्ट रटा दिया जाता है कि पाई का वैल्यू होता है 3.14, नहीं क्या होता है पाई इज इक्वल टू 3.14, और पाई के बारे में और कुछ जानकारी नहीं होता है। तो उसी पाई के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पाई कहने का मतलब कि अभी आप नॉर्मल समझ लीजिए कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी कहने का मतलब क्या, सी क्या है, सी जो है वो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब कि द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई, कह सकते हो ना। तो इसको अभी समझ लो, एक एक केस समझ रहे हैं, केस समझने के बाद ये चीज क्लियर समझ में आएगा, उसके बाद फिर इसको हम पढ़ के भी वही बात बता देंगे। तो सबसे पहले आप केस को समझिए। सबसे पहला कि आप एक सर्कल लीजिए, हम एक सर्कल लिए हैं, ये जो सर्कल लिख रहा है ये सर्कल लिए, इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस जो है उसको हम स्मॉल आर से दिखा दिए, और इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का कुछ लेंथ भी होगा, उस लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, और इस लेंथ को हम मान लीजिए कि मापे हैं तो 18.5 सेंटीमीटर आया है। अच्छा, ये जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, इस लेंथ को ही पैरामीटर भी बोलते हैं, और पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस होता है। ये भी बात आपको मालूम होगा कि पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंसेस। तो बात करें लेंथ की, तो डायरेक्ट कह सकते हो कि लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू पैरामीटर एंड पैरामीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो जितना लेंथ होगा उतना ही सर्कमफेरेंस होगा, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू लेंथ, तो सर्कमफेरेंस को हम सी से डिनोट करते हैं, और ये हो गया 18.5। ठीक है, बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2r, और ये r क्या है, वही रेडियस। तो r का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, और 2 × 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर यहां से आ गया 6 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से पता चल गया कि सर्कमफेरेंस जो है वो 18.5 सेंटीमीटर है इस सर्कल का, और डायमीटर जो है वो इतना है। इसके हेल्प से मालूम चला, इस रेडियस के हेल्प से और इस लेंथ के हेल्प से। तो ये था केस नंबर 1। उसी प्रकार से केस 2 बनाते हैं एक और। केस 2 में एक और सर्कल को हम लेते हैं, इस सर्कल का भी रेडियस हम लेते हैं r। रेडियस यहां पर 4 सेंटीमीटर लेते हैं इसका, तो रेडियस 4 सेंटीमीटर लेंगे, और इस सर्कल का कुछ लेंथ भी होगा, तो लेंथ लिया है 25.1 सेंटीमीटर, हम मान लो मेजर किया है इसको, तो लेंथ इसका इज टू पैरामीटर होता है, और पैरामीटर ऑफ सर्कल इसका इज टू होता है सर्कमफेरेंस, यही से लिख रहा है डायरेक्ट। तो सर्कमफेरेंस जो हो गया वो हो गया 25.1 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 25.1 सेंटीमीटर। तो इसको 8 कर लो, यहां पे 8 छूट गया है, मान लो 8 किए हैं, तो 25.1 सेंटीमीटर जो है वह इसका सर्कमफेरेंस हो गया। और डायमीटर की बात करें तो जस्ट इसी तरीका से 2r के फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, तो r का वैल्यू है 4, तो आपका डायमीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया केस 2, और दोनों केस से हम देखेंगे कि केस 1 में सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का जो रेशियो है वो निकालेंगे, यानी पाई निकालने के लिए सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। तो सर्कमफेरेंस 18.85 है और डायमीटर 6 है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इक्वल होगा लमसम लमसम 3.14 का। उसी प्रकार से केस 2 में यहां से सर्कमफेरेंस और इसका डायमीटर का रेशियो निकालेंगे तो इक्वल होगा 3.14 का। मतलब कि दोनों ही केस में पाई का वैल्यू जो है वह 3.14 के आसपास ही कुछ वैल्यू आएगा, कह सकते हो कि 3 पॉइंट आसपास ही नियरली आएगा। तो पाई यही होता है कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस बटा डायमीटर। और ये जो है, आप सर्कल का सर्कमफेरेंस कुछ भी रख दो, उसका डायमीटर कुछ भी रख दो, तो
तो इसका वैल्यू जो है हमेशा सेम ही आएगा ना, इसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा, 3.14 के नियरली ही आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो। अब देखते हैं एक और बात, सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू होता है पाई इनटू डी, और पाई इनटू डी ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो पाई को पाई ही छोड़ दे रहे हैं और डायमीटर को हम जानते हैं कि डायमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2r, तो यहां पे लिख दिए 2r, इसी को क्या किए हैं तोड़ दिए हैं, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको अरेंज कर देंगे तो 2πr, और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आप पाई को कह सकते हो कि पाई का वैल्यू होता है 3.14, या इसको पाई का वैल्यू आप ये भी कह सकते हो कि 22/7 भी होता है, क्योंकि इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो नियरली इक्वल्स टू 3.14 ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो कुछ लिखा हुआ है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, पाई इक्वल्स द सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर, पाई इज इक्वल्स टू सी बाय डी, इसके फॉर्मूला से हम इसको निकाले। पाई इज आल्सो द 16th लेटर इन ग्रीक अल्फाबेट, एक और नया बात कि पाई जो होता है, ये जो पाई है ये 16th लेटर है, 16वां लेटर है ग्रीक अल्फाबेट में, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका वन मार्क्स में पूछा जा सकता है। नो मैटर द साइज ऑफ सर्कल, पाई ऑलवेज वर्क आउट ऑफ द सेम नंबर, द इरेशनल नंबर हैज एक्सैक्ट वैल्यू एज द नंबर्स नेवर इट्स, कहने का मतलब ये है कि मैटर नहीं करता है कि आप सर्कमफेरेंस कितना लिए हैं, हर एक केस में जो है वो पाई का वैल्यू सेम आएगा। इस केस में अगर हम सर्कमफेरेंस 18.5 ले या 25.1 ले, मैटर नहीं करता है कि कितना आएगा इसका पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू हमेशा एक्सैक्ट आसपास सेम ही होगा। तो इससे पता चलता है कि पाई का वैल्यू हर एक सर्कमफेरेंस में क्या होगा, इक्वल होगा। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, इसके आगे का डेसिमल जानना है तो जान लीजिए कि 3.14159 होता है, और इसी को 22.7 कहते हैं, ये कहां से आया तो 333 डिवाइडेड बाय 106 कीजिएगा तो ये 22/7 आएगा। तो ये था आपके पाई के बारे में कुछ बातें, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।